नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को दिवाली के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ कि दिवाली के दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगी। दिवाली दियों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार, माता लक्ष्मी का त्यौहार, भगवान गणेश का त्यौहार। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा इस दिन होती है और इस दिन ऐसा मुहूर्त होता है, अमावस्या होता है, तो इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं पूरे मन से तन से, तो उसे माता लक्ष्मी स्वीकार करती है, भगवान गणेश स्वीकार करते हैं। माता लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान की पूजा क्यों होती है, क्यों नहीं होती है विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की एक साथ पूजा दिवाली पे, तो इसलिए नहीं होती है विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की, क्योंकि विष्णु भगवान 4 महीने के लिए निंद्रा में रहते हैं, तो उसकी जगह पे सिर्फ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है, क्योंकि भगवान विष्णु इस समय निंद्रा में होते हैं। लेकिन देवउठान के दिन भगवान विष्णु को जगाया जाता है और फिर से देव दीपावली की तरह दिवाली मनाई जाती है, तो इसलिए इस दिवा मतलब दीपावली के दिन विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती है। भगवान गणेश की पूजा लक्ष्मी माता के साथ दिवाली में क्यों होती है, क्योंकि लक्ष्मी माता ने भगवान गणेश को अपना दत्तक पुत्र बनाया है, इसलिए उनकी पूजा उनके साथ की जाती है, तभी माता लक्ष्मी आपकी खुश होती है। तो इसलिए गणेश भगवान की भी इस दिन पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए और पूरे अच्छे तरीके से करना चाहिए। भगवान गणेश को लड्डू का भोग चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई बहुत पसंद है, तो उस तरह की आप मिठाई उनको भोग में ज़रूर लगाएं। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस दिन दिए कैसे जलाएं। जो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के पास आप जो दिए जलाएंगे वो बिल्कुल शुद्ध मिट्टी का जलाएं तो बहुत अच्छा होता है। साथ ही इस दिन पूरे घी का दिया आपको जलाना चाहिए और साथ में उस घी के दिए में आपको इलायची ज़रूर डालना चाहिए, और अगर आपका हो सके तो आँख का रुई अगर आप डालेंगे और उसका दीपक जलाएंगे तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न और खुश होती है। तो अगर आपको आँख का रुई मिले मदार के पेड़ का, तो आप उस पर डाल सकते हैं और ये पूजा कर सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दिवाली के दिन कोई भी स्त्री, महिला, बच्चियाँ का अपमान ना करें। इत्तफाकन अगर कोई भी बच्ची उस दिन आ जाए दिवाली पूजा के दिन, दिवाली पूजा के दिन कोई भी समय में, दिन में, रात में, कुछ भी समय में, पटाखे खेलते हुए या ऐसे ही आपके घर में कोई भी बच्ची, कोई भी महिला आ जाए, तो उस दिन आपको उस बच्ची को कम से कम एक फल भी प्रसाद के रूप में आप जरूर दें, क्योंकि इस दिन बहुत शुभ फलदायी होता है। इस दिन दिवाली के दिन लड़ाई नहीं करना चाहिए, वरना आपकी माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएंगी, उसके बाद आप पछताते रह जाइएगा। तो इस दिन लड़ाई भी नहीं करनी है, आपको पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। आगे भी मैं कुछ कुछ जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।